समाचार मंदसौर जिले के कैंपुर से है। कैंपुर गांव के रहवासियों ने ग्रामीणों द्वारा गांव की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा नायब तहसीलदार को ज्ञापन। ग्राम पंचायत कैंपुर में विभिन्न समस्याओं में प्रमुख रूप से गांव की साफ सफाई व स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के ग्रामीणजनों ने कलेक्टर एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और चेतावनी दी है कि 15 दिन में प्रशासन द्वारा व्यवस्था नहीं सुधारी गई है तो धरना आंदोलन किया जाएगा। मंदसौर संवाददाता सुमन चौहान की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया गया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आज से 4 या 5 साल पहले हमारे यहाँ पर पूर्व मंत्री वर्तमान मंत्री नरोत्तम जी मिश्रा के द्वारा घोषणा की गई थी कि इस अस्पताल को बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा, जिसको लेकर के आज ज्ञापन दिया गया है। स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है यहाँ पर। वर्तमान में धार्मिक मंदिरों के सामने जो धार्मिक जनता और भक्तगण मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर इतनी गंदगी पड़ी हुई है कि मुंह पर रुमाल बांधना पड़ता है। वर्तमान स्थिति में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक कोरोना को लेकर तीसरा वीप आने वाला है, उसको लेकर इतने एक्टिव है, पर ग्राम कयामपुर की पंचायत व सचिव इतने निस्वार्थ के तरह काम कर रहे हैं जैसे कोरोना जैसी कोई हालत ही नहीं है। यहाँ गलियों से लेकर बाजारों में अगर देखा जाए तो इतना कचरा और इतने मच्छर और इतनी गंदगी फैली हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पर जब भी इस मामले की बात पंचायत से कही जाती है तो पंचायत कहते हैं हम कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने कर्मचारी से लेकर स्वच्छता के लिए कर्मचारी से लेकर हर चीज की कमी है। हमने आज मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से ये निवेदन ज्ञापन के माध्यम से किया गया है कि इन सारी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, स्वच्छता की ओर ध्यान दिया जाए, अस्पताल को तत्काल बड़ा अस्पताल बनाया जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई जाए और अगर ये मांगे हमारी 15 दिन में पूरी नहीं की जाती हैं तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा अनिश्चितकालीन, जिसकी समस्त जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन की रहेगी। आपका नाम? पूरा लाल परमार। ज्ञापन दिया किन चीजों को लेकर? ज्ञापन दिया ग्राम पंचायत की, एक तो साफ सफाई के लिए हमने ज्ञापन दिया। गांव के आसपास बहुत सारी गंदगी हो रही है, हाथी बाग, चौपाटी, बस स्टैंड, यहाँ पे बहुत सारी इतनी गंदगी हो रही है और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, इसके तहत आज हमने ज्ञापन दिया। किन के नाम ज्ञापन दिया है? ज्ञापन हमने माननीय कलेक्टर साहब के नाम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से तहसीलदार द्वारा हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन दिया है किन चीज़ को लेकर? ज्ञापन दिया है ग्राम कायमपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर वर्तमान में 6 बेड ही अवेलेबल है। 7वीं डिलीवरी यदि आती तो उसको मंदसौर रेफर किया था। मगर यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फिर से एक रेफरल सेंटर बनकर रह गया है और काफ़ी समय पहले, आज से 4 या 5 साल पहले, माननीय श्री नरोत्तम जी मिश्रा के द्वारा यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की गई थी, लेकिन वो आज तक सिर्फ घोषणा है और हमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करवाना है। ये मांग नहीं पूरी की गई तो क्या करोगे? क्या मांग पूरी नहीं की गई तो क्या करोगे? 15 दिन के बाद में हम लोग धरने पर बैठेंगे। आपका नाम? अंकुश मंडलोई।